Back for the next session, Ishk Bhari Pathar, Love is a Heavy Stone. It gives me the great opportunity to introduce our three speakers right now. Uh, Mr. Apoorvanand Jha is a professor of the Hindi department at the University of Delhi. Professor Jha is the author of many books his critical essays have appeared in all major hindi journals apart from his academic and literary writings he also contributes to columns in the indian newspapers and magazines on issues of education culture communalism violence and human rights <clears throat> Mr. Ashutosh Bhardwaj is a fiction writer and journalist currently with the Indian Express New Delhi. He has published a story collection, essays, diaries in Hindi and English. He has won the Ramnath Goenka Award for Excellence in Journalism on four occasions for his reporting on the police-Maoist conflict and the governance def deficit in the central Indian forests. Dr. Akshanda Jalil is a well-known Indian writer, critic, and literary historian. She is best known for her much acclaimed book on Delhi's lesser known monuments called Invisible City, The Hidden Monuments of India, and a well-received collection of short stories called Release and Other Stories. She runs an organization called the Hindustani Awards, devoted to the popularization of the Hindu Urdu literature and culture. Thank you. Uh, bahut shukriya. Uh, aap sabka मोहब्बत इश्क पर बात करनी है हमें बल्कि मोहब्बत की मुश्किल पर बात करनी है उसकी कठिनाइयों पर शीर्षक है इश्क एक भारी पत्थर और मुझे ठीक ही लगता है कई बार मुझे ऐसा लगता है अपने नौजवान दोस्तों को देखकर कि इश्क करके वो फंस गए हैं क्योंकि शहर उन्हें यह इश्क जारी नहीं रखने देना चाहता और वह शायद इसलिए कि शहर शहर रही नहीं गया है आ, हिंदुस्तान के सारे शहर अब भारत हो गए हैं यानी हर शहर राष्ट्र है और चूंकि हर शहर राष्ट्र है तो हर व्यक्ति को सिर्फ एक राष्ट्रीय नागरिक होना है तो वे इश्क करने वाले लोगों में लोगों की तरह बर्ताव करने को आज़ाद ही नहीं है यह मुश्किल मुझे लगती है लेकिन इस पर हम आगे बात करेंगे आशुतोष भारद्वाज भारद्वाज और रक्षंदा हमारे साथ हैं आशीष नंदी को होना था वे किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं आ, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कहा जा सके कहा जाए कि अब ये मोहब्बत पर बात करने लायक नहीं रहा लेकिन इसकी शुरुआत करने के लिए जो सबसे ज़्यादा काबिल हमारे बीच हैं उम्र के लिहाज से भी वो आशुतोष हैं Unfair, लेकिन unfair assumption है। ये ठीक नहीं है कहना <laughs> रक्षा ऐतराज़ कर रही हैं बहुत से लोग यहाँ भी ऐतराज़ करेंगे हाँ नहीं सब ऐतराज करेंगे फिर भी हम नौजवानी को यह हक तो देते ही हैं कि वो शुरुआत कर सके तो सिर्फ जवानी की वजह से नहीं इसलिए कि आशुतोष भारद्वाज भाषा जुबान के माहिर हैं उसमें काम करते हैं इस वजह से भी तो आशुतोष इश्क बड़ा जटिल सा मसला है इतना सरल नहीं है और जब शहर जुड़ जाता है तो उसकी जटिलता और कई गुना बढ़ जाती हैं अक्सर मुझे भी लगता है कि क्या शहर और प्रेम के बीच में कोई एक अनिवार्य द्वंद्वात्मक संबंध है कोई बाइनरी क्या विकसित हुई है पिछले कुछ दशकों से कि महानगरीय प्रेम इत्यादि इत्यादि तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे लेकिन पहले मैं एक छोटा सा एक गुलदस्ता मैं लेकर आया हूँ मीर जिनके नाम पर ये सेशन है इश्क भारी पत्थर और रिल के लव एंड अदर डिफिकल्टीज उनकी जो किताब है तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें चुनी हैं प्लस दो तीन और लेखक हैं जो दिल्ली के हैं उनके मैंने छोटे छोटे टुकड़े चुने हैं प्लस मेरी अपनी कहानी का अंश है उसे सुनाता हूँ वहाँ से फिर हम शुरुआत करते हैं फिर हम सबसे पहले मीर का देख तो दिल के जहाँ से उठता है यह सा कहाँ से उठता है बैठने कौन दे है फिर उसको जो तेरे आस्था से उठता है इश्क एक मीर भारी पत्थर है कब ये तुझ नातवा से उठता है क्या बात मीर का ही आगे है बोसा उस बुत का ले के मुंह मोड़ा भारी पत्थर था चूम कर छोड़ा ये रिलके का ओन लव एंड अदर डिफिकल्टी से छोटा सा एक उनका एक लंबा पत्र है उसके कुछ एक्सट्रैक्ट मैंने चुने हैं यहां I hold this to be the highest task of a bond between two people, that each should stand guard over the solitude of the other. And only those are the true sharings which rhythmically interrupt periods of deep isolation. There is scarcely anything more difficult than to love one another, that it is work, day labor. Day labor, God knows there is no other word for it. Added to this is the fact that young people are not prepared for such difficult loving. Love is more difficult than other things because, in other conflicts, nature herself enjoins man to collect themselves, to take themselves firmly in hand with all their strength, while in the heightening of love, the impulse is to give oneself away, wholly away. Ye, uh, agla कृष्ण बलदेव वैद्य की उन्नीस की एक डायरी का अंश है उन्नीस uh, में उस समय कृष्ण बलदेव वैद्य और निर्मल वर्मा दिल्ली रहते थे और वे एक ही लड़की को पढ़ाया करते थे ट्यूशन बेरोजगारी के दिन थे उनके वो शमशाद बेगम की बिटिया थी तो वैद्य साहब अभी अभी उसको ट्यूशन पढ़ाकर लौटे हैं और जिक्र कर रहे हैं उस चीज़ का उन्नीस ट्यूशन पढ़ाकर लौटा हूँ बस का इंतज़ार घंटों करना पड़ा खाना भी काफ़ी ख़राब मिला ट्यूशन वाली लड़की के मजाक से भी मूड खराब है उसने मेरे चेहरे की तुलना चिड़िया से करते हुए पूछा कि मैं इतना सूख क्यों गया हूँ लड़की शमशाद बेगम की बेटी उसने देख लिया होगा कि मुझे उसकी उपमा बुरी लगी है मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ निर्मल इतिहास बदले के तौर पर कल उसे पढ़ाने नहीं जाऊँगा वैद का अगला एक डायरीश है छोटा सा कुछ औरतों को मुझसे इतना तेज प्यार और मेरे काम से इतनी तुंद अदावत रही है कि हैरान होता हूँ कि उनके साथ मैं कैसे इतनी इतनी देर के लिए निभा ले गया यह बात नहीं कि, कि किसी ताज़ा तंदुरुस्त लड़की को देख उसे अपनी औरत में बदल देने की या कभी कभी काम से उकता जाने पर अपने तमाम बुतों की बाजी किसी बेन बेनज़ीर औरत के लिए न लगा देने की ललक अब बिल्कुल न उठती हो या यह पश्चाताप न उठता हो कि अगर मैंने अपनी तमाम औरतों को किसी न किसी तरीके से अपने काम में इस्तेमाल कर उनसे किसी न किसी हद तक निजात न हासिल कर ली होती तो इस वक्त ऐसी तन्हाई और तुरशी न होती कई बार किसी एक ही औरत में दुनिया भर की औरतों को और दुनिया भर की औरतों में एक ही औरत को पा लेने की कोशिश में इस कदर खट कट फट चका चुका हूं और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये दोनों कोशिशें भी बेशुमार कोशिशों की मानंद बेकार हैं निर्मल की कहानियों के दो अंश अब पहली कहानी फुटपाथ पर पत्तों का शोर है यह शोर मैंने पिछली रात को भी सुना था पिछली रात हमारे शहर में तेज हवा चली थी आज सुबह जब मैं घर की सीढ़ियों से नीचे उतरा था तो मैंने इन पत्तों को देखा था मुझे यह सोचना अच्छा लगता है कि हम दोनों एक ही शहर में रहते हैं एक ही शहर के पत्ते अलग अलग अलग, अलग घरों की सीढ़ियों पर बिखर जाते हैं और जब हवा चलती है तो उनका शोर उसके और मेरे घर के दरवाजों को एक संग खटखटाता है एक और कहानी निर्मल की चुनने की खुली छूट से बड़ी पीला दूसरी कोई नहीं मुझे कभी कभी लगता है कि निर्णय की इस यातना से मुझे बचाने के लिए ही मेरी पत्नी ने अपना रहस्य कभी मुझे नहीं बताया अक्सर कहा जाता है कि प्रेम में किसी तरह का दुराव छिपाव नहीं होता वह आईने की तरह साफ होता है मैं सोचता हूँ इससे बढ़कर भ्रांति कोई दूसरी नहीं प्रेम का अर्थ अपने को खोलना ही नहीं है बहुत कुछ अपने को छिपाना भी है ताकि दूसरे को हम अपने निजी खतरों से मुक्त रख सकें हर स्त्री इस बात को समझती है और चूंकि वह पुरुष से कहीं अधिक प्रेम करने की क्षमता रखती है उसमें अपने को छुपाने का भी साहस अधिक होता है दो और हैं ये रघुवीर साहे की कविता है तेरे कंधे एक रंग जो नीला होता है और एक वह जो तेरी देह पर नीला होता है इसी तरह लाल भी लाल नहीं है बल्कि एक शरीर के रंग पर एक रंग दरअसल कोई रंग कोई रंग नहीं है सिर्फ तेरे कंधों की रोशनी है और कोई एक रंग जो तेरी बांह पर पड़ा हुआ है ये एक आखिरी है मेरी कहानी का दिल्ली की है कब्रिस्तान के ऊपर वह हमारा तीसरा दिन था हम दोनों देर तक उस कब्रिस्तान में घूमते रहे जब हमें प्यास लगी हम फाटक के पास बैठे बूढ़े चौकीदार के पास गए और उसने कब्रों के बीच लगे हैंडपम्प की ओर इशारा कर दिया लेकिन पानी पीने जाने से पहले उसने चौकीदार से पूछा कि यह कब्रिस्तान पूरा भर चुका है नए मुर्दे अब कहाँ आते होंगे चौकीदार ने कहा इस शहर के कब्रिस्तानों में अब बहुत कम जगह बची है उनकी एडवांस बुकिंग चलती है लोग अब इस शहर से सटे दूसरे शहरों में अपने मुर्दों को दफनाने ले जाते हैं फिर उसने कहा कि वह अपनी एडवांस बुकिंग करवाना चाहता है तो चौकीदार हंसने लगा कि इतनी कम उम्र वाले की बुकिंग थोड़े होती है वो तो अंतिम समय पर आ पहुँचे किसी इंसान की जगह ही रिजर्व की जाती है तो उसने जिद की कि अगर उसकी जगह अभी तय हो जाए तो उसे मौत का डर नहीं रहेगा कि मर भी गया तो उसका कोई घर तो होगा चौकीदार ने उसकी चर्च के बारे में पूछा तो उसने झूठ बोल दिया बैप्टिस्ट जबकि वह ईसाई था ही नहीं चौकीदार ने उसे सुझाया कि वह अगर अपनी चर्च के किसी बड़े अधिकारी से बात कर ले तो शायद उसे अभी से कोई कब्र मिल जाए उसने चौकीदार को शुक्रिया कहा और हम पानी पीने चले गए उन कब्रों के बीच उसे देखते हुए मुझे लगा शायद मैं उसे इन कब्रों के दरमियान ही डूब कर प्रेम कर सकती हूँ जीवित इंसान हमारा उन्माद नहीं सह पाएंगे वह हमारा तीसरा दिन था बहुत शुक्रिया जहाँ आपने ख़त्म किया जीवित इंसान हमारा उन्माद नहीं सह पाएंगे रक्षद जुबान मोहब्बत शहर दिल्ली अकेलापन मौत एक घर की चाहत बहुत सी बातें आपने कह दी एक साथ आ, लेकिन पहले जो ये जब पढ़ रहे थे और जो शुरू में आपने टिप्पणी की थी अगर उसका जवाब दे सकूँ तो एक शेर के जरिए देना चाहूंगी लिखा था इश्क से तबीयत ने जीस्त का मज़ा पाया दर्द की दवा पाई दर्द बेदवा पाया जीस्त यानी डिफ़ीट तो आपने जो बातें कहीं मुझे जो उसमें एक चीज़ समझ में आई वो ये थी आज के इस प्रोग्राम की जब बात हो रही थी अशोक जी से तो अशोक जी ने अपने एक निराले अंदाज में बहुत सी चीज़ें मुझसे कहीं और वो उससे मुझे कुछ याद इस तरह से आया कि अमीर खुसरो एक दफ़ा निकले हुए थे कहीं तो वो गए तो उनसे किसी ने कहा कि आप बहुत बड़े कवि हैं तो लीजिए हम आपको ये चार शब्द कहते हैं और इस पर आप कविता लिख के सुनाइए वो शब्द थे चरखा खीर कुत्ता बुढ़िया इस कस्म के कुछ चार शब्द थे और उन्होंने लिखा कि खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए तो अशोक जी ने मुझे कुछ मेरे समझ से अनरिलेटेड चीज़ें बताईं जिसमें शहर था गार्डन था शायरी थी इश्क था पत्थर का भी जिक्र था कहीं तो मैं सब चीज़ें तो नहीं समझ पाई लेकिन जो मैंने अपनी समझ से इन सब चीज़ों का सार निकाला वो था शहर की शायरी क्योंकि मुझे लगता है कि शहर आज के मौजूदा हाल के एक ऐसे शायर हैं जो शहरी शायरी करते हैं पत्थर मुमकिन है भारी ना होते हों उनके य और चीज़ें हैं लेकिन शहर में रहने का एहसास शहर में इश्क करने का एहसास ये मुझे शहर यार में दिखता है तो अपना काम आसान करने के लिए और इसलिए भी कि मैं आजकल कल शहर यार पे बहुत अरसे से काम कर रही हूँ तर्जमे लिख रही हूँ लेकिन उनकी बा, बायोग्राफी भी लिख रही हूँ तो अपना काम आसान करने के लिए मुझे ये लगा कि क्यों ना मैं कुछ चीज़ें शहरे में से चुन के आपको सुनाऊं तो अपूर्वानंद अगर आपकी इजाज़त है तो कुछ ऐसी चीज़ें जो शहर का भी आपको लुत्फ़ देंगी और शहर में इश्क का भी अब शहर जैसा कि आप जानते हैं 1936 की पैदाइश हैं 2012 में उनका इंतकाल होता है आज के वक्त के बड़े शायर हैं उर्दू के एक एक अहम आवाज़ हैं और एक इंटरसेक्शन पे खड़े हैं जो प्रोग्रेसिविज़म और मॉडर्निज़म का यानी प्रगतिशील होने का और जनवाद और मॉडर्निस्ट जदीद होने का एक इंटरसेक्शन है वहाँ शहर यार हमको खड़े हुए नजर आते हैं शहरेयार शहर की बात करते हैं वो शहर जहाँ मकान तो हैं लेकिन घर नहीं हैं रातें हैं लेकिन नींद नहीं है और अगर नींद है भी तो उसमें ख़्वाब नहीं है तो इस कस्म की चीज़ों का उनके यहाँ जिक्र है वो लीट मोटिवस हैं उनका पहला मजमु इसमें आज़म नाइनटीन सिक्सटी फाइव में छपता है और सिक्सटी फाइव से लेकर अब तक वो लगभग एक ही टेरेन को बार बार ट्रैवर्स करते हैं बार बार उसमें नई नई चीज़ें खोज के हमारे सामने लाते हैं कुछ चीज़ें जो आपको मुमकिन है बिखरी भी लगें मैं पूरी गज़लें नहीं पढ़ रही हूँ उनके कुछ कुछ शेर पढ़ूंगी और जब भी आप चाहें कि मैं इसको ख़त्म कर दूँ इस बात को मैं यहीं ख़त्म कर सकती हूँ शहर फिर शहर है यहाँ जी बहल जाता है शहर से भाग के सहरा को न जा मान बिझा द सिटी इज़ आफ्टर ऑल अ सिटी इट कैन डिस्ट्रैक्ट द हार्ट डोंट लीव द सिटी फॉर द विल्डनेस लिसन टू मी मेरे ख्याल से इस ऑडियंस को शायद तर्जुमों की तो ज़रूरत नहीं है नहीं। तो मैं तर्जुमों के बगैर पढ़ूँगी जब भी मिलती है मुझे अजनबी लगती क्यों है इस शेर को आपने गज़ल की तरह ज़रूर फ़िल्म में सुना होगा ज़िंदगी रोज़ नए रंग बदलती क्यों है ये सब बिखरे हुए शेर हैं ये गज़ल के नहीं हैं तुझ से बिछड़े हैं तो अब किस से मिलाती है हमें ज़िंदगी देखिए क्या रंग दिखाती है हमें और एक और शेर अलग गज़ल का है जुनू तुझ से तकाजा है यही दिल का मेरे शहर उम्मीद के नक्शे को बदलता देखूं और फिर वो शेर जो उन्होंने मुजफ्फर अली की फ़िल्मों के लिए लिखे हैं जो कि आई सी वन ऑफ़ द फाइनेस्ट ओड्स टू द सिटी जो एलियनेशन है जो एंगस्ट है जो अपने रूट से दूर होने का अफसोस है वो सब चीज़ें आपको मुजफ्फ़र अली की उन दो बहुत ही उमदा फिल्मों के गानों में मिलेंगी गमन में और उमराव जान में सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है और एक और ग़ज़ल ये क्या जगह है दोस्तों ये कौन सा दयार है हदे निगाह तक जहाँ गुबार ही गुबार है अबूर्वन जी आपकी इजाज़त हो तो इश्क के साथ एक और रंग मिलाया जाए वो है पॉलिटिक्स का इस माहौल में मौजू भी है और मौका भी है दस्तूर भी है ज़रूर मैं पूछने वाला था आशुतोष से कि कब्रिस्तान ही क्यों गए <laughs> तो पॉलिटिक्स वो कर रही है <laughs> जी. शहर यार और, और भी उर्दू में एक रवायत हमेशा से रही है कि सरल इमेजेस, सिंपल सीमिंगली इनसेंट सॉफ्ट इमेज रात ख्वाब नींद इन चीज़ों को इन्वेस्ट किया जा सकता है एक एजेंसी के साथ और शायर ने यह काम बहुत ख़ूबी से किया है वो जो आसमां पे सितारा है अपनी आँखों से देख लो अपने अप, अपने हाथों से छू लो अपने होठों से चूम लो कि उसी पे हमला है रात का तो ये सेंस ऑफ सीज जो हमारे शहर में इस वक्त है ये मेरे ख़्याल से शायरी में हमेशा से रहा है और शहर में रहने का है और एक अच्छा शायर वो है जो नाइनटीन सिक्सटीज़ या सेवेंटीज़ या एटीज़ में लिखा हुआ शेर आज भी इट राइज अबाउ इट्स टाइम एंड इट स्पीक्स टू अस एक और शेर जो मुझे याद आता है फिर बात को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ ये भी शहरयार कह रहे हैं और ये बहुत पहले का लिखा हुआ शेर है लेकिन लगता है ऐसा है जैसे ये आज के नाम का शहर है शेर है तुम्हारे शहर में कुछ भी हुआ नहीं है क्या कि तुमने चीखों को सचमुच सुना नहीं है क्या मैं एक जमाने से हैरान हूँ कि हाकिम शहर जो हो रहा है उसे देखता नहीं है क्या हाकिम शहर की बात कर रही है मैं एक दूसरी दिशा की तरफ इशारा करना चाहता हूँ और अगर आप चाहें आप दोनों तो बात कर सकती हैं आ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ आजकल एक दूसरी वजह से मशहूर है और आप सब बहुत फ़िक्रमंद होंगे कि ये लोग करते क्या हैं वहाँ पिछले साल तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को लेकर चिंता थी अब दिल्ली विश्वविद्यालय को लेकर है आ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भी इसके लिए बदनाम था कि पढ़ाई लिखाई के अलावा हर कुछ होता है जिसमें मोहब्बत कुछ ज़्यादा ही होती है और यह भी था कि वहाँ पढ़ लिख के पता नहीं क्या बनते हैं लेकिन एक दूसरे से शादियाँ ज़रूर कर लेते हैं लोग मैं चूंकि बहुत पहले इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन में काम करता था तो बाद में हमें लगा कि शायद हमारे काम का एक नतीजा था इतने नए किस्म के जोड़े और मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की बाकी कमियों को तो गिनाता हूँ लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये कि भाषाओं के परे राज्यों के परे इतनी ज़्यादा दोस्तियाँ जिनमें कुछ शादियों में बदली, लेकिन पहली बार जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से ऐसे जोड़े निकले जिन्होंने बिना शादियों के एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया और एक तमिल लड़का बिहार में आकर एक बिहारी लड़की के साथ रह रहा है तो आप ये कह सकती हैं कि जेंडर की भूमिका पूरी तरह से बदल गई जिसमें लड़की लड़के वाले के यहाँ जाने की जगह लड़का ही लड़की के राज्य में आकर बस जाता है तो राजनीति और इश्क का एक बहुत गहरा रिश्ता है कांग्रेस के खिलाफ जो प्रचार किया जाता था पहले और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ वो ये कि ये बिगाड़ देते हैं लड़के लड़कियों को क्योंकि सब इश्क करने लगते हैं एक दूसरे के साथ और मुझे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की याद है शुक्र है अशोक जी कुलपति नहीं रहे और मैं भी वहाँ काम नहीं कर रहा हूँ लेकिन जब हमने शुरुआत की थी और वर्धा में परिसर बनने लगा था तो जो परिसर के अधिकारी थे उन्होंने बहुत चिंतित होकर मुझे फ़ोन किया और बुलाया कि बहुत गड़बड़ हो रही है आप आ जाइए तो मैं गया और वो कमरे में आए और फुसफुसाते हुए उन्होंने कहा कि बहुत ही गड़बड़ हो रही है मैंने कहा क्या हो रहा है तो उन्होंने कहा देखिए अब यहां के छात्र जो है ना वो चुपके चुपके नागपुर चले जाते हैं साथ लड़के लड़की तो मैंने कहा फिर आपको क्या चिंता है तो कि कि नहीं ये हो रहा है यहां पर तो मैंने कहा मैं निश्चिंत हो गया हूं कोर्स चले ना चले लेकिन अगर इश्क होने लगा है इसका मतलब कैंपस बन रहा है तो कैंपस का आ, अब मुझे अक्सर यह भी लगता है जब मैं रेस्तरा में जोड़ों को बैठे देखता हूँ कि बीच में ये जब बजने लगता है तो वो क्या करते हैं क्या वो ए, एक दूसरे से बातचीत करते हैं या फ़ोन उठा के बात करने लगते हैं तो लेकिन शहर के बारे में हमारा ख्याल ये हुआ करता था और दिल्ली के बारे में तो और भी ज़्यादा कि हम छोटी जगहों पर शायद पकड़े जाएंगे इसलिए दिल्ली की गुमनामी में चले आएँ और बच जाएंगे आ, लेकिन अभी दो महीना पहले मेरे पास जब मेरी एक छात्रा आई क्योंकि उसने एक ऐसे लड़के से शादी करने का फ़ैसला किया था जो नाम से मुसलमान मालूम होता था और मुसलमान ही था तो उसने मुझसे पूछा कि मैं कितनी कितनी सुरक्षित हूँ दिल्ली में और हमें उसे यह मशवरा देना पड़ा कि आप यहाँ शहर छोड़ के चली जाएँ शादी करने के दिन और आप जयपुर चली जाएँ और फिर जयपुर में हमें पूरा इंतज़ाम करना पड़ा कि उनकी सुरक्षा कैसे की जा सके और फिर मुझे एक दूसरा वाक़ याद आया जो आप में से यहाँ बैठे हुए लोगों में से कई लोग उनको जानते होंगे जावेद आलम प्रख्यात राजनीति शास्त्री पिछले वर्ष नहीं रहे लेकिन आज से तकरीबन पचास साल पहले यहाँ वो सालवान कॉलेज में पढ़ाते थे और जावेद आलम ने तय किया जयंती सरकार शायद नाम था उनसे शादी करने का और पूरी दिल्ली में पोस्टर लग गए और जावेद आलम को नौकरी से निकाल दिया गया तो यह जो दिल्ली को हमने माना है कि यह एक कॉस्मोपॉलिटन जगह है और कॉस्मोपॉलिटन जगह जो मोहब्बत का साथ देती है और लोगों को नए रिश्ते बनाने में मदद करती है तो क्या हमारे शहर यह काम कर रहे हैं आशुतोष मैं इससे पहले पॉलिटिक्स को एड्रेस करना चाहूँगा पहला प्रश्न वो था मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स इज अ वेरी एक्ट इट इन्वॉल्व मल्टी पार्टनर्स अ पॉलिटिशियन इज इसशियली अ प्रोमिसक्स लवर ही वुड हैव मैनी पार्टनर साइमल्टेनियसली ही वुड बी स्वेपिंग अराउंड हेयर एंड देयर बहुत सारा तो uh, लेकिन इस प्रोमिसक्टी से एक अलग किस्म का चैलेंज भी आता है क्योंकि इफ देर इज अ पॉलिटिक्स ऑफ इफ देर इज अ प्रोमिस्यूटी ऑफ पॉलिटिक्स दैन देर इज ऑल्सो पॉलिटिक्स ऑफ प्रोमिस्यूटी एज वेल वो तो दोनों तरह से एक दूसरे को काटती छाटती हुई चलती है तो राजनीति अपने किस्म का आपने कहा तो बड़ा ही जटिल किस्म का प्रेम है जो राजनीति से है यहाँ मैं एक आपको एक अलग उदाहरण देता हूँ बस्तर में मैंने काफ़ी साल नक्सलियों पर काम किया है अस्सी के दशक की बात है शुरुआती सालों की आ, एक युवा जोड़ा नक्सली जोड़ा आंध्र से आए जो वहाँ रहते थे आ, उनके यहाँ दे स्त्रियों को बच्चा नहीं करना है क्योंकि वो क्रांति बाधा बनेगी तो समा हुआ वुमेन दैट शी गॉट प्रेग्नेंट द स्टोरी ब्रिकन्स फ्रॉम हेयर अब क्या करना है उसका तो एकदम शुरुआती दिन थे नक्सलियों के उन्हें नहीं मालूम था आगे क्या करना है तो ये आरंभिक जोड़ा जो पहली बार इस समस्या को फेस कर रहा था जो इवेंचुअली सब बहुत बड़े सी पी एम के बहुत ऊंचे पद पर है नाम नहीं बता रहा उनका तो वो अपनी पत्नी को जो अभी भी उनके साथ हैं उनको लेकर एक उस समय के नए डॉक्टर के पास गए जो आज की तारीख में हिंदुस्तान में बहुत बड़े स्थिति पर हैं वहीं अपने किसी दंडकारिणी की सीमा से जुड़े तो वो उस समय जनरल फिजिशियन थे नए नए एमबीबीएस करके उस जगह आके काम करना शुरू किया था तो पहुँचे वो छोटे अपनी छोटी मोटी बंदूकें इत्यादि लटकाए कि ऐसे है इसको आपको देखना है तो ये तो एडवांस स्टेज में है और अगर आप ऑपोरेशन करवाना चाहेंगे तो वो ये तो नहीं रहेंगी तो कहते कोई नहीं आप ठीक है तो मैंने कभी नहीं किया आज तक तो डॉक्टर का ऑन रिकॉर्ड मुझसे स्टेटमेंट था तब जो मैंने अपनी कहीं आगे के लिए रख रखा है तो उसको उस कमांडो ने उससे कहा लेटर बी द फर्स्ट सेक्रीफाइस फॉर दिस आप सीख्स हो जाएंगे इससे बहुत आएंगे हमारे आगे तो इवेंचुअली उन्होंने उस पर किया वो सक्सेसफुल रहा उस डॉक्टर में इवेंचुअली ही वेंटन टू बिकम सॉर्ट ऑफ देयर फैमिली डॉक्टर हु कंडक्टेड लॉट ऑफ एबोशन हैल लॉट ऑफ वासिक्टीज ऑन मेल माउस तो जब आप राजनीति जैसी चीज़ में पढ़ते हैं क्योंकि मैंने माओवाद का इसलिए नाम दिया वो भी एक पूरी तरह से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है पॉलिटिकल एक्ट है तो उसमें प्रेम कहाँ जाएगा वो किस ओर आपको ले जाएगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते मेरे ख्याल से मिलान कुंदेरा जो अपने उपन्यासों में हमें जो बताया है मिलान कुंदेरा अ वंडरफुल वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ एरोटिक्स एंड पॉलिटिक्स जुक् जुक्टा टू हीच अदर कैसे पोलिटिकल प्रेशर पूरे कम्युनिस्ट सरकार का चेक पर यहाँ वहाँ कैसे उस संबंधों को परिवर्तित किया उसकी शायद हम अभी तक उतनी पड़ताल नहीं कर पाए हैं हमारे जो नेता लोग हैं हम उनको बहुत ही क्रूर सिनिकल मानते हैं जैसे माओवादियों को बट मेरी उनके भी अपने अंदर उनकी जो स्थितियाँ रही होंगी जो उनके आरंभिक प्रेम रहे होंगे कब उन्होंने उस चीज को कौपल को फूटते महसूस किया होगा कब उन्हें लगा होगा कि नहीं मेरी राजनीति मुझे गवारा नहीं करती मेरा आंदोलन मुझे गवारा नहीं करता कि मैं इस अवस्था में अभी पहुंचूँ तो इस पर हमें शायद सोचना चाहिए क्या बताऊं मैं तो समझ नहीं पा रही हूं कि मैं इनकी इस इसके बारे में किस तरह से जवाब दूं थोड़ा आईट फ्रेंकली डोंट नो हाउ टू रियक्ट टू वट यंग फ्रेंड हियड जस्ट नाउ तो मैं अपनी बात कुछ अलग ही करती हूँ मेरे जहन पर इस वक्त शहर यार छाए हुए हैं मैं फिर शहर यार का सहारा लेते हुए जो इन्होंने बात की पॉलिटिक्स और इश्क की उस पर आपको कुछ सुनाने की कोशिश करती हूँ शायद आपकी समझ में आए ये आज के वक्त की शायरी है जहाँ जो शहर में इश्क का तसुर है आ, मेरे ख़्याल से ये शहर ही में ऐसी बात कही जा सकती है और आज के ज़माने में जहाँ वायलेंस हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है एक छोटी सी नज़म है इसका नाम है जागने का लुत्फ तेरे होठों पे मेरे होंठ हाथों के तराजू में बदन को तोलना और गुंबदों में दूर तक बारूद की खुशबू बहुत दिन बाद मुझको जागने में लुत्फ आया है यानी सीमिंगली uh, सीमिंगलीजिज़ का इस्तेमाल करना कहने को तो ये एक छोटी सी इोटिक नज़म है लेकिन बारूद का जिक्र गुमबदों का जिक्र इट इन्वेस्ट विद आई थिंक अनदर लेयर ऑफ मीनिंग एंड वी सी इंक्रीजिंगली द यूज ऑफ पॉलिटिक्स एंड एंड द बॉडी कमिंग टुगेदर आपने मिलान कुंदेरा का जिक्र किया और माओवाद और साम्यवादी हुकूमतों का मिलान जिनके बारे में लिख रहे थे दरअसल और यह कि किस तरह जो साम्यवादी हुकूमतें थीं वो देह से देह के ख़िलाफ़ खड़ी थी और इसलिए मोहब्बत हमेशा से एक समस्या रही है मसलन फैज़ की जिस कविता को लेकर मुझसे क्रांतिकारी सर ढूंढते रहे हैं और तो मुझसे पहले से, से मोहब्बत मेरे महबूब न मांग उसमें जैसा मैंने शुरू में कहा कि क्रांति और प्रेम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है कि पहले से मोहब्बत ना मांग ये छोटी मोटी चीज़ मैं तो एक बड़ा काम इनकलाब करने में निकला हुआ हूँ और हालांकि कैफे की भी उस कविता की बड़ी तारीफ होती है जिसमें वो आंचल को परचम बना देने की मजाज सॉरी मजाज, मजाज साथे मजाज पे आंचल हाँ। बहुत ही खूब है लेकिन हाँ, हाँ।, हाँ।, हाँ परचम इसे मजाज ने कहा तो यह के अगर परचम होता कोई नारा होता प्रेम निवेदन की जगह या इनकलाब होता मोहब्बत की जगह तो एक तरह का अपराध बोध प्रेम को लेकर रहा है हमेशा से विशेषकर क्रांतिकारी आंदोलन में और अगर हम यशपाल पर यकीन करें यशपाल ने जो सिंघावलोकन लिखा है तो स्वयं उस क्रांतिकारी आंदोलन में यशपाल को शायद इसके लिए सजा देना तय हुआ था कि आ, उन्होंने प्रेम कर लिया था एक ही क्रांतिकारी दल में दो लोगों ने एक दूसरे से प्रेम कर लिया था और जो आप माओवादी दलों में देख रहे हैं उस उसकी एक गूंजवाद देखी जा सकती है तो प्रेम एक समस्या रही है राजनीति के लिए कि इससे निपटें कैसे या सत्ता के लिए कि इससे निपटें कैसे और वह वा कोई वायव्य प्रेम नहीं है उसके केंद्र में देह है या शरीर है तो शरीर की जो अपनी मांग है वो राजनीति या राष्ट्र या इनकलाब की मांग के सामने खड़ी हो जाती है या शरीरों की मांग हम ये कह सकते हैं आ, तो इसमें क्या अंततः जो शरीर है वो अकेले हैं और देखिए मेरे ख्याल से प्रेम हमेशा से ही बड़ा चुनौती भरा विषय रहा है जो रामचंद्र शुक्ल कहते थे गोपियों का प्रेम है जो बैठे ठाले का धंधा है केवल बाकी सबके लिए बड़ी दिक्कत भरी चीज है ये और अंततः पाते हैं कि जितना प्रेम जैसे मैंने अभी रेल का जो पढ़कर सुनाया तो आप उतने ही अकेले होते जाते हैं क्योंकि किसी को चाहना आ, वो हम हम बिना इसके अपेक्षा के नहीं चाह पाते क्योंकि हमें भी हमें भी अपेक्षा हमेशा रहती है तो अगर वो अपेक्षा पूरी नहीं होगी तो अंततः प्रेम आपको अकेला और अकेला बनाता जाएगा तो इसेंशली एक बहुत ही सॉलिटरी एक्ट है जैसे क्रिएटिव आर्ट है आप खुद अपने से माथा मार रहे हैं अपनी अपनी आर्ट से अपनी कला से प्रेम में भी आप अपने आप से ही जूझते हैं अपने से ही उबरना चाहते हैं और अपने से ही उबर कर जितना गहरा डूबते हैं वही फिर आपकी उसको तय करता है कितनी कु्वत थी आपको इश्क भारी पत्थर वाली बात चूम कर छोड़ा जो डूबा वो पार खुसरो ने भी कहा है जी 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 लेकिन ये इतना सरल नहीं है क्योंकि जो इतने सोशल प्रेशर्स हैं पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं प्रोमिसी के प्रेशर्स हैं वो आ, प्रेम को वो निखालिस 24 कैरेट टाइप का वो नहीं रहने देते हैं हाँ मुझे एक प्रेम याद आ, आता है जिन लोगों का जिक्र करना आज के माहौल में ठीक नहीं है क्योंकि गलत लोग हैं इंदिरा प्रियदर्शनी का और फिरोज़ गांधी का और वो पूरा किस्सा के जब ये तय हुआ कि इंदिरा और फिरोज़ की शादी होनी है तो वो अपने आप में कितना बड़ा मसला बन गया यानी इंदिरा के पिता तैयार हुए लेकिन वह शादी हो इसके पहले सैकड़ों सैकड़ों चिट्ठियाँ नेहरू के पास पहुँच रही हैं और गांधी के पास पहुँच रही हैं कि ये बहुत ही गलत काम हो रहा है एक ब्राह्मण लड़की की शादी और ये बहुत बड़ा दूषण है और फिर गांधी को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है और नेहरू गांधी को चिट्ठी लिखते हैं आनंद भवन में वह पूरा कार्यक्रम कैसे होगा या इस पूरे दबाव से तय होता है आ, दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत के अध्यापक लक्ष्मीधर शास्त्री जिनकी ख्याति इस बात में थी कि वो वेद से किसी भी चीज़ का प्रमाण निकाल सकते थे यानी एक पारसी और एक ब्राह्मण की शादी जायज़ कैसे है इसके लिए भी वो वेद से प्रमाण निकाल सकते थे तो उन्होंने अपनी उस संस्कृत प्रतिभा का इस्तेमाल किया तो कठिनाई में आनंद भवन का जिक्र कर रहा हूं जहाँ यह शादी हुई लेकिन उसका दिल्ली से एक बहुत गहरा रिश्ता था या भारत की राजनीति से और यह हम बीसवीं शताब्दी के बीच की भी पहले की अवस्था देख रहे हैं पूर्वार्थ की जिसमें इतना ज्यादा दबाव पड़ रहा है और वह दबाव अब तक वैसा ही है उसमें कोई कमी नहीं आई है तो फिर उम्मीद कहाँ है दक्षिण Um, इससे पहले मैं ये भी जिक्र कर दूं कि गांधी जी के तो बहुत वेल नोन व्यूज थे इंटरकास्ट कास्ट इंटर रिलीजियस शादियों के वो बहुत खिलाफ थे ये बात तो खबूत में और बल्कि नहीं वो तो बहुत उसके नॉट वेरी ऑफ सजेस्टेड दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू मैरी आउटसाइड मुझे तो यू थिंक गांधी ने यह तय किया था कि वो किसी भी ऐसी शादी में नहीं जाएंगे जो तीय नहीं है तो वो अपने दल कांग्रेस पार्टी या उनके लोगों के यहां जो शादियां होती थी उनमें से सिर्फ वैसे शादियों में जाते थे जो अंतर जातीय हैं, तो ये ये बिल्कुल अलग वो है। वैसे हम जरा भटक रहे हैं अपने हाँ, सब्जेक्ट से, लेकिन गांधी, नहीं है। गांधी, कहीं भी आ जाते है, गांधी के साथ समस्या <laughs> ये है आपने जो रोमांस और रेवोल्यूशन की बात की उसको फिर शायरी से अगर जोड़ा जाए तो मेरे ख़्याल से बहुत से शायरों का लिटरेरी करियर हम अगर देखें उसको चार्ट करें मैप की तरह तो एक एक प्रोग्रेशन रहा है मतलब उसमें वो क्रांति से रोमांस से क्रांति की तरफ आते हैं उर्दू में मुझे बहुत से लोग नजर आते हैं मखतूमोद्दीन है फैज़ खुद हैं तो यानी बहुत सी जगह ऐसा आपने जिस नजम का जिक्र किया मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग मैं समझता था कि तू है तो है हयात तेरा ग़म है तो गम दहर का झगड़ा क्या है तू जो मिल जाए तो तकदीर नगु हो जाए यूँ न था मैंने फ़खत चाहा था यूँ हो जाए और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा एंड ही गोज ऑन टू लिस्ट द मैनी पी बहते हुए गलते हुए नासुरों से और भी मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र होता है लड़ाई का जंग का तकलीफ़ों का बीमारियों का जिक्र होता है एंड गोज़ ऑन टू से लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए अब भी दिलकश है तेरा हुसन मगर क्या कीजिए तो मेरे ख्याल से ये एक दुविधा ये एक डिलेमा रही है जिसको मुख्तलिफ शायरों ने अपनी अपनी तरह से रिजॉल्व करने की कोशिश की है कि साथ, साथ चलना मुझे लगता है जैसे कि बाहिर तो रेवोल्यूशन एक बड़ा रोमांटिक कॉन्सेप्ट है लेकिन रोमांस और शायरी का साथ साथ चलना ये हम पोइट्रिक करियर में अगर देखें बतौर लिटरेरी हिस्टोरियन के तो मुझे लगता है वो दोनों चीज़ें आड़े आती हैं कहना okay. तो फैज़ ने ये भी कहा है कुछ काम किया कुछ इश्क किया लेकिन जी लेकिन मेरे ख्याल से ये एक डिलेमा है ये एक डुअलिटी है जिसका कोई शायद आसान उपाय नहीं है एक ये जो लव और रेवोल्यूशन के बीच में जो दुविधा डिलेमा है उसका एक प्रभाव तो सीधा सीधा ये होता है कि जो प्योरिटैनिजम से जो एक किसी की व्यक्ति की जो यात्रा शुरू होती है प्रेम यात्रा देह यात्रा उसके कई सारे स्टेज होते हैं इरो सेंशुअलिटी लव इत्यादि इत्यादि फिर आगे अगर वो ट्रांसेंड करके पहुंचना चाहे तो प्रोमस्क्यूटी पर पहुँच जाता है लेकिन दुविधा की वजह से ये बीच वाला रास्ता पूरा खाली होता है वो यहाँ से शुरू करेगा अति अतिशुचतावादी से वो सीधा वहाँ जाके कूद के गिरता है वो तो ये बीच का जो बड़ी विपुल अनुभव श्रृंखला है वो वो सारी गायब हो जाती है इन 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 सामाजिक दबाओं से दबावों से इन राजनीतिक समस्याओं से दुश्चिंताओं से इत्यादि इत्यादि इस पर उर्दू में या कहीं हिंदी में इस पर बात होती है कि ये बीच की स्टेज कहाँ ग जाती है फिर वो घरेलू जिंदगी में शायद <laughs> 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 मोहब्बत वहाँ जाके दम तोड़ती है या फिर रास्ता खोजती है लेकिन मैं दिल्ली के बारे में सोच रहा हूँ दिल्ली की सड़कों दिल्ली के, के चौराहों दिल्ली जो कि कैम्पस से बनती है और आ, अब तो चूंकि बुज़ुर्ग हो गया तो सर झुका के चलता हूँ प्रोफेसर भी हूँ तो सर झुका के ही चलना चाहिए लेकिन मैं जोड़ों को देखता हूँ और उनकी भंगिमाएँ देखता हूँ उनकी मुद्राएँ कि मोहब्बत करने वाले जोड़ों की मुद्राएँ कैसी होती हैं तो और मैं फिल्मों को याद करता हूँ मैं पिछले दिनों त्रिपुरारी शर्मा का एक नाटक देख रहा था मैं नाटक को भी इस बीच में रखना चाहूँगा मैं दिल्ली की बात में नाटकों के बिना सोच नहीं सकता कि एक एक जोड़े की आप कल्पना कैसे करते हैं और मैं अभी सिर्फ लड़के और लड़की की जोड़े की बात कर रहा हूँ तो आप इसे राजनीतिक रूप से गलत ना मानेंगे लड़के और लड़के की जोड़े की भी बात हो सकती है लड़की और लड़की की भी आ, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि लड़का लड़की की कमर में हाथ डाल खड़ा है और मैं कहता हूँ कि ये बड़ा पिछड़ा हुआ तरीका है मोहब्बत करने का और त्रिपुरारी शर्मा का मैं कि मैंने वो भंगिमा देखी जिसमें फिर लड़की ही कूद लड़के की गोद में आई तो मैंने कहा कि ये भी त्रिपुरारी जी ने तो कुछ नई भंगिमा नहीं, नहीं दिखाई लेकिन दिल्ली की सड़क पर जो मोहब्बत का इजहार है पिछले कुछ सालों में अगर एक दिन होता है जिसको आप सतरंगा दिन कह सकते हैं तो वह क्वे परेड में होता है और पहली बार मोहब्बत ने नारे की शक्ल में दिल्ली की सड़क पे मार्च करना शुरू किया है ये बहुत दिलचस्प है मुझे बहुत मजा आता है मैं मैं स्ट्रेट व्यक्ति हूँ कुर नहीं हूँ लेकिन मैं उसमें हर साल शामिल होता हूँ यह जो मोहब्बत का इजहार है मैं मैं यह भी देखने की कोशिश करता हूँ कि शहर उसको किस तरह देख रहा है और पिछले चार साल में मैंने देखा है कि ये संख्या बढ़ती ही चली जा रही इतने नौजवान लड़के इतने नौजवान लड़कियाँ वे जो अपने आप को ना लड़का कहना चाहेंगे न लड़की कहना चाहेंगे वे सब तो मोहब्बत शहर पर अपना दावा कैसे पेश करती है? इजहार अगर एक और मेरे ख्याल से उस दावे का उस प्रेम के करने के अपने अधिकार का जमसद अधिकार का सूचक है तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आ, सभी में न सही कुछ लोगों में असुरक्षा का भी सूचक है इस पर हम अभी हम चर्चा नहीं कर पाए हैं करना भी नहीं चाहते हैं शायद क्योंकि ऐसा कहकर हमें लगता है कि नहीं नहीं ये तो हमारा मौलिक अधिकार है लेकिन अत्यधिक अजय इजहार वो अंद, आपकी जो आंतरिक इनसिक्योरिटीज़ हैं जैसे नया नमाजी वो नौ बार पढ़ता है जिसे हम कहते हैं वो वो उसका भी कहीं ना कहीं आपको सूचक दिखेगा लेकिन उसको इतना जल्दी उसको हम छूना नहीं चाहते आज की तारीख में उस चीज़ को रक्षांधा के पास आए उसके पहले आ, हमारे पास पाँच मिनट शायद है आयोजक हैं इसमें अगर आप बात करना चाहें इन दोनों से आपसे भी कर लें मतलब जी जी इस मोबाइल नामक यंत्र को क्या ये प्रेम पर एक अलग अलग किस्म का दबाव है ये ये कह रहे हैं कि मीरा के इश्क को समझना मुश्किल है जी, जी दिल्ली जो 22 ख्वाजाओं की चौखट है आप सही कह रहे हैं साहब के हमें यकीनन इश्क मजाज, मजाजी और इश्क़ हकीकी दोनों का ज़िक्र करना चाहिए था नहीं हमारी कोताही है मानते हैं जी 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 बिल्कुल बिल्कुल कोई दूसरा माइक्रोफोन दे दीजिए माइक दे दीजिए वोविंग माइक मैं खुद शायद उसकी अपनी मिसाज हूँ इसलिए मैं इसको बात को आपकी इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर सकता कि इंटर कमजोर मैरिज पे एतराज होते हैं इसकी आपने मिसाजें <laughs> दी हैं आपने और ये बातें फिफ्टीज और सेवेंटीज़ और सिक्सटीज सब की आई हैं लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये वो आतिश है जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे तो ये ऐसे जब झगती है आग जगती है तो बुझ ही नहीं बुझती अब तो ना पॉलिटिक्स सामने आती है और ना मुजम सामने आता है और ना कोई समाज सामने आता है और ये एक आग का दरिया है इसमें डूब के जाना है थैंक यू जी बिल्कुल आप, ये भी आप, एक नज़रिया है आप आप खुश नसीब हैं आ, मैं तो एक ऐसे संगठन में शामिल हूँ जो रोज़ाना जिसके पास ऐसे जोड़े आते हैं जिन्हें वकीलों से मिलाना है जिनके लिए पनागाहों का इस्तेमाल इंतज़ाम करना है कि वो अपने माँ बाप से बच सकें अपनी जात वालों से बच सकें धर्म वालों से बच सकें तो काश के सबका नसीब आपकी तरह हो मैं चाहता हूँ जी जी मैं हेलो आई एम प्रोफेसर अग्रवाल फ्रॉम दिल्ली एंड खजुराहो मैं भी रिसेंटली खजुराहो के आया तो उसके बारे में थोड़ा बताएँ आप कि नीड ग्रीड और लस्ट इसका प्रेम से कोई संबंध है क्या नीड ग्रीड एंड लस्ट तीनों के बारे में थोड़ा सा क्योंकि मैंने एक नई रिसर्च करी है कि इसका रेलेवेंस लाइफ में है तो आप थोड़ा इसको साहित्यिक रूप से बताएं आर्थिक रूप से नहीं किस रूप से नहीं मैं तो अर्थशास्त्री हूँ तो मैं तो आर्थिक रूप से देखता हूँ आई एम लिटरेरी में क्या इसका मीनिंग है मैं सिर्फ यही कहूँगा कि नीड ग्रीड और लस्ट जो तीन आपने जो शब्द चुने हैं uh, प्रेम और इश्क इतना वृहद है उसमें ये कहीं ना कहीं आपको बिखरे हुए मिल जाएंगे ये उससे परे नहीं है लव अपनी नीड भी लेकर आता है अपनी ग्रीड भी लेकर आता है भयंकर लस्ट और जलसी भी लेकर आता है एनभी भी लेकर आता है तो ये उसका अवयव है उसके कॉम्पोनेंट्स हैं वो अलग नहीं हो उसके लेकिन अर्थशास्त्र कैसे आता है वो भी जरा समझ लें <laughs> अर्थशास्त्र तो अभी इतने भयानक तरीके से हम पे गिरा है अभी हम समझ ही रहे हैं उससे हर किसी की जेब खाली जी ऐसा नहीं है। ये कुछ आयोजकों ने तय किया है क्या कि आवाज़ नहीं पहुंचने देंगे मैं रक्षा जी से ये पूछना चाह रहा था कि इन्होंने शहर यार साहब के हवाले से कहा कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा सॉरी फैज़ साहब के जो तो अब ये बताइए कि मोहब्बत तो एक बहुत ही बढ़िया और ऊंचा जज्बा है उसको उन्होंने गम क्यों कहा और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा यह है कि क्या मोहब्बत गम ही गम देती है अब ये तो उनका तजुर्बा होगा मैं कह नहीं सकती मुमकिन है उनको गम ज़्यादा मिले हों खुशियाँ कम मिली हों लेकिन जो इसका एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स था इस पर्टिकुलर नज़्म का इस ये किसी एक शख्स के लिए लिखी गई थी और मैं बता सकती हूँ किसके लिए डॉक्टर रशीद जहाँ जो उस वक्त की एक बहुत अहम लिखने वाली थी प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट की फ़ाउंडर मेंबर थी इप्टा की फ़ाउंडर मेंबर थी उनसे वो बहुत मुतासर हुए थे मुमकिन है किसी कस्म का एक इन्फेचुएशन भी रहा हो तो कहा यह जाता है रिवायत ये है आई हैव हर्ड इट फ्राम हिम और फ्राम हर फॉर डैट मैटर कहा यह जाता है कि उनसे वो इतने मुतासर हुए कि जो एक औरत का रूप जो उनके जहन में था उस पर ये नज ये नज्म लिखी गई थी कि बावजूद इसके कि वो इतने मुतासर थे लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए यानी इश्क अपने आप में एक मुकम्मल एक्सपीरियंस सिर्फ एक 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 इश्क की जो फ़िज़िकलिटी है वो उनका कहना था कि अपने आप में काफ़ी नहीं है बल्कि और चीज़ें भी हैं जिसकी तरफ नज़र दौड़ती है बार बार और इस नज़म में उनको लिस्ट करते हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं सर मैं मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ थोड़ा बहुत कमेंट भी शामिल है सवाल भी है छोटा बहुत छोटा मुझे नहीं मालूम नहीं कितना छोटा जवाब होगा इसका इश्क इन द टाइम्स ऑफ लव जिहाद एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डेली क्योंकि खाप हमें ऐसा लगता है कि छोटे पंचायतों का है लेकिन इट इज़ लाइक ऑल ओवर द प्लेस तो जो भारी पत्थर है उसके बारे में मुझे लगता है कुछ कम जिक्र हुआ है जो उसका टाइटल था mm -hmm. बल्कि हमें लग रहा है कि हम शुरू से कर रहे हैं और हम तो दरअसल पत्थरों की बरसात के बीच में बात कर रहे हैं सिर्फ एक पत्थर उठाने की बात नहीं कर रहे हैं कि पत्थरों की बरसात के बीच भी लोग कैसे कर लेते हैं और कर लेते हैं इसलिए बहुत बहादुरी की बात है आपने कहा गम कैसे है और वो ऐसे कि को साहब एक दूसरे से मिलने के लिए बड़ी जुगत लगानी पड़ती है मेहनत करनी पड़ती है मेट्रो पकड़नी पड़ती है अब मिलने जाना पड़ता है घंटे लगाने पड़ते हैं और पहले वाले लोग कुछ सप्ताहांत में दिल्ली आया करते थे ताकि प्रेमिका से या प्रेमी से मिल सकें और उसके लिए बहाने बनाया करते थे तो आ, मेहनत पड़ती है मोहब्बत में और दुख भी बहुत होता है आ, और अक्सर प्रेमी जब मिलते हैं तो अपना भी तजुर्बा है और अभी भी हम देखते हैं कि जितनी वो शायद एक दूसरे से मीठी बात करते होंगे उससे ज्यादा तनाव ही रहता है उनके बीच में और ये मेट्रो में अक्सर मुझे तजुर्बा हुआ है इतना इतना तनाव और मुझको बहुत मजा आता है कि हाँ ठीक है <laughs> नहीं था <laughs> वो बना हुआ है जी एक और, चीज़ और नाम जी कि मेरे ख़्याल से हम लोगों ने या एटलीस्ट मैंने इस सेशन को इश्क म, मजाजी या हकीकी के तौर पे ही नहीं देखा बल्कि पैशन के सेंस में भी इंटरप्रेट करने की कोशिश की है अब वो पॉलिटिक्स की तरफ पैशन हो सकता है या आइडियोलॉजी हो सकती है या सोच हो सकती है तो मेरे ख़्याल से भारी पत्थर जो है वो सिर्फ रोमांटिक लव uh, के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने शायद उसको नहीं समझने की आज uh, कोशिश की हमने उसको पैशन आइडियोलॉजी बहुत सी चीजों से जोड़ा आप है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं लेकिन मैं इसको इतना ज्यादा अमूर्त भी नहीं बनाना चाहूंगा मेरे ठीक सामने अशोक वाजपेयी बैठे हुए हैं तो मैं उसको प्रेम को हाँ uh, रखना चाहूंगा कि पैशन है वो लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि दो इंसान जब किसी तीसरे मकसद के लिए मोहब्बत नहीं करते हैं। और मुझे उस तरह की शादियां बहुत दिलचस्प लगती हैं जो क्रांतिकारियों की होती हैं जिनमें पार्टियों के नेता बैठते हैं और कहा जाता है कि यह जो संबंध बन रहा है यह दरअसल इस समाज को क्रांतिकारी दिशा में ले जाने के लिए बढ़ रहा है और मैं सर पकड़ लेता हूँ कि ये दो नौजवान बैठे हैं इन पर कितना भारी बोझा आप डाल रहे हैं इनको एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाना है जिस तरह से भी रिश्ता बनाना है तो वह ज़रूर है कि हम उस पैशन की बात कर रहे थे लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं कि एक गणतंत्र सिर्फ प्रेमियों का गणतंत्र होता है और वह अपने आप को आज़ाद करना चाहता है किसी भी राजनीति की मांग से किसी भी राष्ट्र की मांग से किसी भी क्रांति की मांग से और मैं जानता हूँ आशुतोष के इस बात से मैं सहमत हूँ कि स्वयं इस प्रेम की एक राजनीति है जो टकराती है फिर बाकी सारी चीज़ों से और शायद हम सब लोगों का काम प्रेम की इस राजनीति का समर्थन करना है इसके साथ उसको समझना है उस राजनीति को हाँ। कि जो पॉलिटिक्स ऑफ प्रोमिसक्यूटी या पॉलिटिक्स ऑफ लव है वो उसकी कितने बारीक तार वो बुनती है और बजाय उसको हर बार नीचे निगाह से देखने के उसको एक्सप्लोर करने की जो कलाकार को और धर्म क्या है कर्तव्य क्या है उस उस बारीकी को उघाड़ना है कि उस प्रेम के भीतर भी कौन सी छुट छुद्र हिंसाएं कौन सी बेईमानियां कौन से तनाव कौन से कमीनेपन छुपे रहते हैं उसके अंदर लेकिन इसके बावजूद वह उन्माद होता है आग भी रहती है अगर आप कुछ कहना बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का और जैसा फैज ने सर बस एक शायरी है थोड़ा के ऊपर अगर शेर है या शेर शायरी शेर, है? शेर शेर ये इश्क़ नहीं ये इश्क नहीं तेरी मेरी एक कहानी है ये ये इश्क नहीं तेरी मेरी एक कहानी है पर अपनी जुबा नहीं तुम्हारी ज़ुबान बतानी है ठीक है बहुत शुक्रिया आप दोनों का रक्षंदा और आशुतोष